हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कोरियन साइकोलॉजिकल हॉरर एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है रोड रेज। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल सू जिन और डोंग जू को दिखाते हुए, जो वीकेंड पर एक रोड ट्रिप पर निकले थे। लेकिन दोनों में से कोई भी खुश नहीं लग रहे थे। कैसे होंगे? डोंग जू का बॉस जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, बार बार कॉल करके परेशान कर रहा था बेचारे को, जबकि डोंग जू ने अपने हिस्से का सारा काम खत्म करके सारे रिपोर्ट सबमिट करके फिर निकला था। फिर भी इससे होता यह कि डोंग जू बहुत एग्जॉस्टेड फील करने लगता है। उसका मूड भी खराब हो चुका था और उसके साथ साथ सिजून का भी। फ्रस्ट्रेशन में झगड़ने लग जाते हैं दोनों। ऊपर से ठीक इसी समय उन्हें अपने सामने एक ट्रक दिखता है जो उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा था। डोंग जू उसे ओवरटेक करता है तो वो फिर से उसके सामने आ जाता है, और ऐसा ही चलता रहता है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं था कि रास्ते पर और कोई जगह नहीं थी या फिर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था, बल्कि पूरा रास्ता तो खाली पड़ा था। लेकिन उस ट्रक को जैसे सिर्फ उनका रास्ता ही ब्लॉक करना था, ना वो खुद स्पीड अप कर रहा था ना उन्हें करने दे रहा था। इससे डोंग जू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, होंगी करने लगता है। अब पता नहीं इसे सुनकर ही या फिर किसी और वजह से, लेकिन वो ट्रक रुक जाता है एकदम अचानक से। वो भी इतने पास आकर कि डोंग जू को अलर्ट होने का वक्त ही नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से ब्रेक लगाता है वो, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। और तभी दोनों नोटिस करते हैं उस ट्रक पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं है, या फिर है लेकिन उसे कवर किया गया है, मतलब जरूर कोई लीगल मामला होगा। डोंग जू फिर से एक बार उस पर चिल्लाकर आगे निकल जाता है और साथ में सिंजू से कहता है उस ट्रक के पिक्चर्स निकालने के लिए, ताकि फर्दर डिस्टर्ब करने पर वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर सके। Honestly, इस हादसे से सिंजू काफी घबरा चुकी थी। ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी वो। मगर डोंग जू उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। कहता है रास्ते पर ऐसे पागल जन के कभी-कभी मिल जाते हैं, जिन्हें दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? बात तो बिल्कुल सही थी। फिर भी न जाने क्यों वो सिंजू इस हादसे को दिमाग से निकाल ही नहीं पाती। ऊपर से जब वो उन पिक्चर्स को देखती है, तब तो वो और डर जाती है, क्योंकि उनमें से एक फोटो उस ट्रक के ड्राइवर की भी थी, जो बहुत ही अजीब से स्माइल कर रहा था। काफी क्रीपी लग रहा था उसका चेहरा, बट थैंकफुली और उनका पीछा नहीं करता वो। डोंग जू भी शांति से ड्राइव कर पाता है, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। कुछ आगे जाते ही फिर से उसके बॉस का कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, और अभी उन्हें एक नया रिपोर्ट चाहिए था, वो भी इमीडिएटली। लेकिन ऐसे ड्राइव करते करते उसे ढूंढना डोंग जू के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो वो सिंजू से कहता है ड्राइव करने के लिए। अब उसे ड्राइविंग आती तो थी, मगर इसे हाईवे पर उसने कभी ड्राइव नहीं करी, वो भी रात के वक्त। लेकिन डोंग जू का रिक्वेस्ट वो टाल भी नहीं पाती, क्योंकि उसका काम उसके लिए जितना जरूरी था, सिंजू के लिए भी उतना ही था, क्योंकि वो अपने मैनेजर को खुश रख पाएगा तभी तो उसका प्रमोशन होगा, और उसका प्रमोशन होगा तभी तो वो सिंजू के पेरेंट्स से उसका हाथ मांग पाएगा। इसीलिए फाइनली सिंजू ही स्टीयरिंग पकड़ती है और डोंग जू अपना रिपोर्ट रेडी करने लगता है। मगर काम खत्म करके इतना थक चुका था बेचारा कि कुछ देर के लिए सो भी जाता है। सिंजू को ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और रास्ता भी बिल्कुल खाली था, इसलिए वो भी उसे और डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही एक गाड़ी के हेडलाइट से चौंक उठती है वो। ये भी एक ट्रक ही था, पता नहीं अचानक ऐसे कहाँ से आकर हाजिर हो गया। सिंजू को लगता है वो जरूर आगे जाना चाहता है, इसीलिए वो उसे रास्ता छोड़ देती है। मगर वो ट्रक उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे चलने लगता है और बार बार लाइट्स फ्लैश करके उसे डिस्टर्ब करने लगता है। एक बार तो उसके सामने से हटने के चक्कर में सिंजू खुद दूसरे गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन वो ट्रक तब भी उसके पीछे ही रह जाता है। सिंजू समझ नहीं पाती वो क्या करे, क्या सभी ट्रक ड्राइवर्स एक जैसे ही होते हैं? वो डोंग जू को बुलाती है और उसे लगता है सिंजू जरूर बहुत स्लो ड्राइव कर रही होगी, इसीलिए वो अपना हाथ से उस ट्रक ड्राइवर को इशारा करता है आगे निकल जाने के लिए। वो जाता भी है, लेकिन इतने पास से और इतने स्पीड से कि अगर डोंग जू ने सही समय अपना हाथ अंदर लिया नहीं होता तो वो टूट चुका होता। भला ऐसे कौन ड्राइव करता है? एक धक्के में जैसे डोंग जू की नींद उठ चुकी थी, और इसके बाद उसे जो दिखता है उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो देखता है ये तो वही ट्रक है उसी पागल ड्राइवर का। इस बार भी वो वही करता है जो वो पिछली बार कर रहा था, कंटिन्यूअसली उनका रास्ता ब्लॉक करता रहता है वो। और जब डोंग जू फोर्सफुल इसके आगे जाने की कोशिश करता है, तो वो उसके गाड़ी को इंटेंशनली ठोक देता है, एक बार नहीं रिपीटेडली।
इस प्रोसेस में उनकी मिरर भी टूट जाती है। सिंजू कोशिश करती है स्पीड अप करके उस ट्रक से पीछा छुड़ाने की, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल किसी मैग्नेट की तरह उसके गाड़ी के पीछे भाग रहा था। फाइनल एक पॉइंट ऐसा आता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कुछ हिट करता है विंडशील्ड पर और सिंजू घबराहट में गाड़ी रोक देती है। उधर वो ट्रक भी कुछ दूर जाकर रुक जाता है, तो डोंगजो और अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो निकल पड़ता है उस ट्रक ड्राइवर को सबक सिखाने, लेकिन बहुत चिल्लाने के बावजूद वो गाड़ी से उतरता ही नहीं, एक तक अपने सामने देखता रहता है और वहीं क्रीपी स्माइल हंसने लगता है। तो डोंगजो भी और गुस्सा हो जाता है और अपना सारा गुस्सा उसके ट्रक पर ही निकालता है, मार मार कर उसका हेडलाइट तोड़ देता है वो। और इससे एक काम भी बनता है, वो ड्राइवर खुद उसके सामने आकर हाजिर हो जाता है, मगर उसके हाथ में कुछ था, स्लिंगशॉट जैसा कुछ, जिससे वो डोंगजो की तरफ मेटल बॉल्स फेंकने लगता है। उधर सिंजू जो गाड़ी में बैठे अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, उसे बहुत टेंशन होने लगा था, उसे अपने सामने कुछ दिखाई जो नहीं दे रही थी। तो वो डोंगजो को कॉल करती है जो वो रिसीव भी करता है, मगर कुछ कहता नहीं। सिंजू को सुनाई देती है तो सिर्फ किसी के सांसों की आहट और साथ में एक क्रीपी स्माइल भी, जो डेफिनेटली डोंगजो का तो नहीं था। एट द सेम टाइम उसे अपने सामने डोंगजो दिखाई देता है जो जख्मी हालत में किसी तरह उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ड्राइवर पीछे से क्रोबार से उस पर वार कर देता है और करता ही रहता है, ठीक जैसे डोंगजो ने उसके गाड़ी का हेडलाइट तोड़ा था, अभी वो भी ठीक वैसे ही बदला ले रहा था। साथ में बहुत ही क्रीपीली हंस भी रहा था वो, पागलों की तरह, जो हंसी सिंजू को सुनाई दे रही थी अपने फोन पर। डोंगजो को ऐसे ब्रूटली मार खाते देख बेचारी रोने लगी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे बचाए अपने बॉयफ्रेंड को, मगर उसे सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। वो पागल ड्राइवर डोंगजो को छोड़कर अभी उसके पीछे भागने लगा था। सिंजू जैसे तैसे खुद को गाड़ी में लॉक तो कर लेती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, मगर हर बारी में उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है और उधर वो ड्राइवर भी क्रोबार से खिड़की का कांच तोड़ देता है। वो डोंगजो की तरह सिंजू पर भी हमला करने ही वाला था, तो सिंजू गाड़ी स्टार्ट करके भाग निकलती है, लेकिन आगे जाते ही उसे समझ आता है गाड़ी ठीक से चल नहीं रही और हम देखते हैं उसके एक टायर में वही क्रोबार फंसा हुआ है, इसीलिए तो वो स्पीड अप नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ वो साइको फिर से उसका पीछा करने लगा था अपने ट्रक में, तो सिंजू गाड़ी से उतरकर पैदल ही भागने लगती है, लेकिन कब तक, एक ट्रक से ज्यादा तेज तो वो भाग नहीं सकती ना। एक पॉन्ड पे रास्ते पर गिर भी जाती है वो उस ट्रक के बिल्कुल सामने, लेकिन वो ड्राइवर उसे हिट नहीं करता बल्कि बिल्कुल सामने आकर गाड़ी रोक देता है। और फिर सिंजू जैसे ही फिर से भागना स्टार्ट करती है, वो भी अपना ट्रक स्टार्ट कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस चूहे बिल्ली के खेल में बहुत मजा आ रहा था उसे, सिंजू को ऐसे भागते देख बहुत इंजॉय कर रहा था वो, तभी तो मौका पाकर भी उसे जान से नहीं मारता। बेचारी सिंजू भागते भागते रास्ते से उतरकर पास वाली जमीन में जाकर छुपने की कोशिश करती है बेचारी, लेकिन वो ड्राइवर बहुत ही आसानी से ढूंढ लेता है उसे और एक ट्रेंड शिकारी की तरह अपने मेटल बॉल से मारकर बेहोश कर देता है उसे। इसके बाद क्या होता है सिंजू को कुछ नहीं पता, लेकिन जब उसका सेंस लौटता है डोंगजो को अपने साथ पाती है वो, सेंसलेस एंड सीवियरली इंजर्ड हालत में। सिंजू खुद भी घायल थी, ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा था वो दोनों है कहाँ। वो मदद के लिए चिल्लाती है मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इंस्टेड उसके ऊपर से एक कवर हट जाता है और सिंजू को समझ आता है वो लोग असल में एक रनिंग कार में है, उस साइको के ट्रक कंटेनर में। इस रियलाइजेशन से डर से बिल्कुल पत्थर बन जाती है सिंजू, चिल्ला चिल्ला कर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है उन्हें छोड़ देने के लिए, मगर जवाब में कुछ जर्किंग्स के सिवा और कुछ नहीं मिलता सिंजू को। तो वह आसपास की कार से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ना ज्यादा कार्स वहां से पास कर रही थी ना अंधेरे में वो किसी को दिखाई दे रही थी, तो उसकी सारी कोशिशें बेकार ही जाती है। उल्टा बदले में मिलती है एक बहुत ही भयानक सजा। वो साइको अपने ट्रक को अनलोड करने लगता है ऑल ऑफ अ सडन, जिससे सिंजू और डोंगजू दोनों ही नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं। सिंजू के लिए अकेले दोनों का वेट होल्ड कर पाना आसान नहीं था, फिर भी वो हार नहीं मानती, कोशिश करती रहती है, जी जान लगा के कोशिश करती है। डोंगजू का आधे से ज्यादा शरीर तो नीचे लटकने लगा था, उसका हाथ जमीन पर घसीटने लगा था, अगर सिंजू पकड़ के नहीं रखती तो शायद उसका माथा भी क्रैश कर जाता। फॉर्चुनेटली ठीक इसी समय उनके सामने एक टनल आ जाता है, जिससे उस पागल को अपना ट्रक नॉर्मल करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी।
वो तो उन चीखों को बहुत एंजॉय करने लगा था। मगर सिंजू के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी खुद को आने वाले खतरे के लिए प्रिपेयर करने का। तो वह सबसे पहले डोंगजू को खींचकर कंटेनर के फ्रंट की तरफ ले आती है और फिर वहां पर जो रस्सियां लटक रही थी उससे उसका पैर बांध देती है। इससे एटलीस्ट वो गिरेगा तो नहीं। अभी बारी थी उसकी, लेकिन वह खुद को स्ट्रॉन्ग रस्सी ढूंढ पाए इससे पहले ही वो लोग टनल से निकल पड़ते हैं और वो पागल भी फिर से अनलोड बटन प्रेस कर देता है। इससे होता ये, बहुत कोशिश करके भी सिंजू को होल्ड करने जैसा कुछ नहीं मिलता। वो खिसकने लगती है और कंटेनर के बिल्कुल एंड तक पहुंच जाती है। वो बस गिरने ही वाली थी, ठीक उसी समय फॉर्चुनेटली डोंगजू का सेंस लौट आता है और वो उसे पकड़ लेता है। बिल्कुल मौत के मुंह से लौट आई थी सिंजू, जो उस पागल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो इंटेंशनली रफ टर्न्स लेने लगता है जिससे उन्हें परेशानी हो और फिर अचानक ही एक सुनसान मोड़ पर जाकर रुक जाता है। अब उसका इरादा क्या था वो तो ओनली गॉड नोस, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर डोंगजू और सिंजू गाड़ी से उतरने में कामयाब हो जाते हैं। सिंजू तो फिर भी चलने के हालत में थी लेकिन डोंगजू बिल्कुल भी नहीं, तो वो उसे भागने के लिए कहकर खुद रुक जाता है उस पागल को रोकने। भले ही वो ठीक से खड़े होने के हालत में भी नहीं था, फिर भी एक पत्थर लेकर ढूंढने निकल पड़ता है उस पागल को। उधर सिंजू देखती है वो तो उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा है। चिल्लाकर डोंगजू को वार्न भी करती है वो, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। डोंगजू के पीछे मुड़ते ही फिर से एक बार क्रोबार से हमला कर देता है वो साइको, मार मार के अधमरा कर देता है बेचारे को और फिर भागता है सिंजू के पीछे। तब तक वो रोड साइड रेलिंग के पास एक गड्ढे में छुप चुकी थी, तो वो ड्राइवर उसे देख नहीं पाता। एटलीस्ट सिंजू को तो यही लगा था, मगर जैसे ही वो निकलकर डोंगजू के पास जाने की कोशिश करती है वो ड्राइवर भी लौट आता है। ये तो असल में उसका एक चाल था। पहले वो क्रोबार से मार के सिंजू के पैर को जख्मी करता है जिससे वो और भाग नहीं पाती, और जब वो बेचारी क्रॉल करने लगती है तब अपने मेटल बॉल से मार मार के उसका शरीर को जख्मी करने लगता है वो। ये तो जैसे उसका फेवरेट गेम था, ऑफ कोर्स उस चूहे बिल्ली के खेल के बाद। अभी बारी थी इस गेम को खत्म करने की, तो वो अपना लास्ट बॉल उठा लेता है और एम करता है सिंजू के फेस के तरफ, मेनली उसका फोरहेड या फिर उसकी आंखें। सिंजू बेचारी कुछ कर नहीं पाती, ना भाग पाती है ना उससे खुद को बचा पाती है, बस हेल्पलेसली पड़े पड़े उससे अपने जान की भीख मांगने लगती है वो। मगर अंदर ही अंदर उसे पता था ये आदमी एक जानवर है, उसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। होता भी यही, वो आदमी अपनी क्रीपी स्माइल के साथ अपना स्लिंग शॉट रेडी कर लेता है और सिंजू भी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, ये सोचकर कि शायद ऐसे ही उसे मरना होगा इस पागल के हाथ। लेकिन ठीक तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। डोंगजू उस ट्रक को लेकर उस पागल ड्राइवर पर चला देता है, नहीं उसे मारता नहीं, बस उसके हाथ को टायर के नीचे दबा रखता है जिससे वो हिल तक नहीं पाता। फाइनली दो पल का चैन नसीब होता है दोनों को, मौत का डर और उन्हें चेस नहीं करता। लेकिन एक नया इमोशन जन्म लेता है सिंजू के मन में, रिवेंज। बदले की आग में जलने लगी थी वो, जिसकी शुरुआत होती है क्रोबार से उस आदमी को पीटने से। उसका गुस्सा देखकर तो खुद डोंगजू भी डर गया था, लेकिन सिंजू ना वो रुकती है ना उस आदमी को हेल्पलेसली पड़े देखकर उसे कोई दया आता है। फाइनली उसके साथ भी वो वही करती है जो उसने उनके साथ किया था, उसे उसी के ट्रक में डाल के लोडिंग अनलोडिंग का खेल खेलने लगती है सिंजू, और वो जितना चीखता है उतना ही तसल्ली मिलती है उसे। अब ये सही था या गलत वो तो नहीं पता, आखिर में वो जरूर उसे पुलिस के पास ही ले जाएंगे, लेकिन वो उनका गुनहगार है तो कुछ सजा तो उन्हें भी देनी चाहिए ना। हमेशा लीगली जो सजा दी जाती है उससे विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता, एटलीस्ट उन्हें तो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ ट्रॉमेटाइज्ड रहते हैं वो, विक्टिमाइज्ड फील करते रहते हैं, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस बयां करने से भी दूसरा कोई समझ नहीं पाता ना उस हिसाब से सिचुएशन को फील कर पाता है। तो अगर उस नजरिया से देखा जाए तो सिंजू का डिसीजन सही था, एटलीस्ट मैं तो 100% एग्री करती हूँ। और आप दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब आप बताओ आपको एंडिंग कैसा लगा, साथ में ये भी शेयर करना कि क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर हुआ है तो उसे सही करने के लिए आपने क्या किया, खुद से कोई स्टेप लिया या फिर छोड़ो जाने दो कहकर बात को टाल दिया। वैसे तो हम रोज की जिंदगी में ऐसे बहुत कुछ फेस करते रहते हैं, लेकिन कभी कोई पर्टिकुलर हादसा जहन में रह ही जाता है ना। कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।